हेमाना टेबल टेबल के मुंडाले मैं काम करती हूँ, एमआई सॉफ्टवेयर। तो आज जो स्टोरी आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है एक पेशेंट हम लोगों का, उनका नाम है जॉय दास। वो हावड़ा से है, हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से है वो, और वो एक रिक्शा पुलर है, वो रिक्शा चलाता है वहाँ पे हावड़ा में। इनकम बहुत ही कम है जैसे होता है बहुत, और उनका एक बुरी आदत भी है, वो अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा दारू भी पीता है। तो जितना उसका इनकम है वही उतना ही उनका दारू में चला जाता है। उनका फैमिली भी है, उनका वाइफ है, बच्चे नहीं है। तो एक दिन हम लोगों का जो फील्ड ऑफिसर उनको ढूंढ के निकला है, वो जॉयदास को रास्ते में मिले। बहुत ज़्यादा खांस रहे थे वो, खांसी भी हो रहा था, सांस भी फूल रहा था। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टीवी का सिम्टम्स है ऐसा कुछ, तो वो ऐसे ही फील्ड ऑफिसर गए उनके पास, क्या हुआ आपको, और वो भी एक हेल्थ सेंटर के बाहर जो UPSC से आपका था उससे उनके बाहर। तो पूछताछ के चलते पता चला कि जॉयदास आए थे उसका मतलब खांसी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो वहाँ से उनको दवाई मिला तो वो लेके जा रहे हैं। तो फील्ड ऑफिसर ने बताया ठीक है आप दवाई लीजिए, लेकिन कुछ टेस्ट है, कुछ एक्सरे टेस्ट है आपका, हम कराएंगे कुछ जांच के लिए आपका बीमारी का हम लोग कराएंगे। तो जॉयदास ने बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम लोग जो फील्ड ऑफिसर वो बताया कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो फ्री में ही कर देते हैं सब कुछ। तो जॉयदास राजी हो गया। तो नेक्स्ट डे फील्ड ऑफिसर गया है उनके पास, उनके घर में, और उनको लेके पहले बोला कि आप बलगम दे दो, तो कंटेनर दिए उनको, तो बलगम लिए फर्स्ट वाला, और उनको साथ में लेके गए एक्सरे करवाने के लिए। हम लोग वहाँ पे हावड़ा में 6 प्राइवेट एक्सरे सेंटर को हम लोग इन्वॉल्व किए हम लोगों को प्रोजेक्ट में, उसी के एक पे लेके गए। इसका एक्सरे भी करवाया, बलगम भी टेस्ट हुआ है, दोनों में वो पॉजिटिव था, मतलब वो बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म हो गया, उनके बलगम में बैक्टीरिया मिला। उनका स्पूटम कैसे टेस्ट हुआ था, उनका स्पूटम तो पहले माइक्रोस्कोपी में टेस्ट हुआ, फिर उसका रिकॉम्बिनेशन टेस्ट करने के लिए, यूटेस्ट टेस्ट करने के लिए उनका फिर मॉलिक्यूलर टेस्ट हुआ। लेकिन फर्स्ट हावड़ा में ऐसा ही होता है, हावड़ा में तो पहले माइक्रोस्कोपी होता है और एंड एक्सरे भी करते हैं। ये दोनों ही हम लोगों का मतलब डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। और ये रहते कहाँ थे? हाँ, वो हावड़ा में एक बस्ती में रहते थे, लेकिन उसका जो हैबिट था ना वो दारू पीता था, शराब पीता था बहुत ज़्यादा, और इसका प्रॉब्लम था कि घर का जो सामान है वो निकाल के बाहर बेच देते थे। तो हाँ, दारू पीते थे। तो उसका बीवी क्या उससे बहुत परेशान थे। तो ठीक है, तो उसको लेके तो टेस्ट करवाए, तो फिर उसको छोड़ दिए कि अब जाओ आपका काम है, उसका जो चलाते हो शिपिंग कंपनी, तो गए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे फील्ड ऑफिसर को पता चला कि वो पॉजिटिव है। फिर वो उसका रिपोर्ट लेके उनके घर पे आए, घर पे आए तो ढूंढने के लिए, उनका बीवी जो था घर पे, बीवी जो थी वो बोले कि घर पे नहीं है, हमको निकाल दिए घर से। तो फील्ड ऑफिसर परेशान हो गए, तो अब कहाँ मिलेंगे वो, पता नहीं, वो चोरी कर रहा था घर का बहुत सामान, चोरी करके भेज दिए, फिर पैसा भी नहीं देता है घर पे, और उसके ऊपर से इसका ये बीमारी है, खांस रहा है बहुत सर, उसको घर से निकाल दिया। तो फील्ड ऑफिसर तो परेशान हो गया, वहाँ ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला वो। बहुत ट्राई किए, आसपास ट्राई किए, जो उसका नेबर्स हैं उसको पूछे, फ्रेंड्स जो रिक्शा चलाता है जहाँ पे स्टैंड पे जाके पूछे, कहीं पे नहीं मिला वो। तो हल नहीं छोड़े फील्ड ऑफिसर, 2-3 दिन ऐसे ढूंढे। फिर अचानक 5th या 6th डे को फील्ड ऑफिसर के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। तो वो उठाए फ़ोन, तो वो जॉयदास था। वो रिक्वेस्ट मतलब वो रो रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर मैं बहुत बीमार हूँ, मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, आप थोड़ा आ जाइए मेरे पास। किसी एक का फ़ोन नंबर लेके वो किए, और उनके पास जब वो टेस्ट करने के लिए गए थे, तब वो फील्ड ऑफिसर उसको ज़बरदस्ती फ़ोन नंबर दे दिए थे कि कोई परेशानी हो तो मुझे बुलाना।
और ये कब की बात है? किस ये अक्टूबर में हुआ है, अक्टूबर स्टार्टिंग में हुआ है। फिर वो गए तुरंत, तो फील्ड ऑफिसर दौड़ के भाग के गए, वो जो लोकेशन बताए, तो जो गंगा नदी है ना हावड़ा का, उसी का एक घाट है रामकृष्ण का, वहीं पे पड़ा हुआ था वो। एकदम मतलब उठ नहीं पा रहे थे, एकदम सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो फिर फील्ड ऑफिसर मतलब हम लोगों को बताया क्या किया जाए इनके साथ, तो हम लोग बोले कि आप तुरंत इनको लेके हॉस्पिटल में जाओ, हावड़ा जो सेंट्रल हॉस्पिटल जहाँ पे DTC है, डिस्ट्रिक्ट डिविजन। तो उसको उठा के वहाँ से लेके गए फील्ड ऑफिसर। तो हॉस्पिटल में जब लेके गए, उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका कोई कार्ड नहीं था, आधार कार्ड वगैरह नहीं था, उनके फैमिली से कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था, और उनका एडमिशन के लिए हावड़ा हॉस्पिटल से कोई एक सपोर्टर चाहिए, जो फैमिली पर्सन हो जो उनके साथ रहे, तो नहीं ले रहा था। तो बहुत कोशिश के बाद, बहुत इधर उधर फ़ोन करने के बाद, PTO से बात करने के बाद, लिए उनको एडमिशन लिए और उसको इमरजेंसी में भर्ती करवाया। उसका बलगम से ब्लड भी आ रहा था, ऑक्सीजन देना पड़ा उसको। फिर वहाँ पे जाके उसको ट्रीटमेंट चला उसका, वहीं पे उसका TB दवाई चालू हो गया, क्योंकि पहले तो हम लोग नहीं कर पाए, वो तो भाग गए थे घर से। तो वहाँ पे उनका TB का दवाई स्टार्ट हुआ वही हॉस्पिटल से, मतलब डिटेक्शन के एक हफ्ते बाद लगभग। फिर उसका वहाँ पे 3-4 दिन वो रहे, उसका ट्रीटमेंट चला, ऑक्सीजन लिए, उसका तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया, तब उसको रिलीज मिला हॉस्पिटल से। बाहर आके वो घर नहीं जा पा रहे, उसका बीवी पता चला सबको कि TB है, फिर वो शराब भी पीता है, घर नहीं लिए। फिर जहाँ पे वो मिला रामकृष्ण घाट, वहीं पे कुछ मतलब होमलेस रहते हैं, उनके साथ वो रहने लगा, और रिक्शा था उसके पास, उस पर सोता था। खाने के लिए ऐसा कुछ मतलब इंतजाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फील्ड ऑफिसर क्या किए, उनके साथ एक जो निक्षय मित्र होता है उनका कॉन्टेक्ट करवा दिए, संजय सिंह बोलते हैं, वही लोकेलिटी का है वो। तो उसका खाना भी मिला, एक वक्त का खाना मिल रहा था, दवाई मिल रहा था। फिर धीरे धीरे उसके मतलब फिजिकली उसका इम्प्रूवमेंट होने लगा, जो उसका खांसी था वो सुधारने लगा, उनका एक मतलब वेट गेन भी होने लगा, मतलब दिख रहा है कि वो ठीक हो रहा है। फिर सबसे अच्छी बात है क्या कि 2 या 3 महीने बाद जब वो एक्चुअली उसका सुधार आ गया, तो उसका बीवी उसको फ़ोन किया कि घर आ जाओ, ठीक है, तो ठीक है जो भी हुआ हुआ, घर आ जाओ, ठीक है सब कुछ। उनका जो मतलब दारू का जो ये था ऑप्शन था, वो भी थोड़ा सा कम हो गया, एकदम छूटा नहीं लेकिन कम हो गया, ठीक है। और अभी वो क्योर्ड है, 4 अप्रैल को उसका TB दवाई ख़त्म हो गया है, और निक्षय ने भी देखे कि वो क्योर्ड है, मतलब उसका कंप्लीट TB ख़त्म हो गया उसके अंदर से। तो ये एक बड़ी बात है कि जिसका चालू ही नहीं हो पा रहा था ट्रीटमेंट, वो अभी कम्प्लीटली क्योर्ड। तो फिर उनका मॉलिक्यूलर टेस्टिंग हुआ है, सब कुछ हुआ, सब नहीं, अभी ट्रीटमेंट कम्प्लीट होने के बाद अब वो फॉलोअप चलेगा, जो आप लोग फॉलोअप तो हो गया ना, नहीं अब आफ्टर दिस आफ्टर फॉलोअप। और वाइफ को भी लगा होगा कि आप अब वो थोड़ा बीमारी से ठीक हैं, और जो भी है अब वो रिक्शा चला रहे हैं इनकम भी कर रहे हैं, फैमिली को हेल्प भी कर रहे हैं, दारू भी इतना नहीं पीता है, कम करते हैं मतलब छोड़े नहीं, लेकिन उतना नहीं पीता है। उसका बीवी मतलब ये कन्फर्म देगी। अच्छा, जो ये दवा देते हैं ट्रीटमेंट में दवा मिलती है, तो किस तरह से लोगों को रोज़ जाना पड़ता है लेने के लिए? एवरीडे जाना पड़ता है सेंटर से। एक तो है ह्यूमैनिटीज़, मतलब अगर हम NGO से जुड़े भी नहीं होते, फिर भी हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मतलब नीडी है, जो बीमार है, जिसको मतलब कुछ करने के लिए कुछ ये नहीं है, संस्था नहीं है, तो उनको हेल्प करें। वही काम हम लोग ह्यूमना से जुड़ के कर रहे हैं। और जो जॉय दास है, उनको पता भी नहीं था कि गवर्नमेंट से ऐसे दवाई मिलता है, ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है, बलगम टेस्ट होता है, एक्सरे नहीं करवाते, एक्सरे हम लोग किए हैं,
इसी के चलते वो कर भी नहीं पा रहे थे, उसका मतलब उसका खांसी हो रहा था, वो दुकान से कोई मतलब काउंटर से दवाई लेके पी रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था उसमें। तो हम लोगों को मिला जायदाद, तो उनका हम ट्रीटमेंट किए। तो यही मतलब मेरा यही कहना है कि टीबी जो बीमारी है एक क्योरेबल है, कोई डरने का बात नहीं है, कुछ नहीं है। जायदाद उसका एग्जाम्पल है, जो हालत उसका था उठ नहीं पा रहे थे, अभी वो क्योर है, क्योंकि वो हम लोग के बाद डॉक्टर के बाद ट्रीटमेंट यूनिट के बाद माना है, दवाई रेगुलर लिए हैं, खाना भी उसको मिला है, क्योंकि निक्षा नित्र से खाना भी प्रोवाइड किए हैं। फिर वो जो उनका दारू का जो ये है नशा का, वो भी उसको वो कंट्रोल किए हैं, तो इसलिए वो ठीक हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि हम ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, अपने पैर पे फिर से खड़े हो जाए, सबको मतलब फैमिली को हेल्प करें, तो आपका भी कुछ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम लोग तो हेल्प करेंगे, लेकिन जो पेशेंट है उसका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर ये दोनों की तरफ से ठीक से होगा तो क्योर तो होगी।